इस समय हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां से दिल्ली के जरिए गाजियाबाद की तरफ रास्ता रहता है NH24। ये है जहां पर बैरिकेड्स किए गए थे गाजीपुर में किसान आंदोलन के चलते। किसान जो है वो तीन कानूनों का विरोध के चलते यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और आगे ना आ सके, इसलिए इस तरह की बैरिकेडिंग की गई थी और आज इस बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है करीब 11 महीने बाद। ये देखिए आप, यहाँ पर कॉन्क्रीट के ब्लॉक जो है वो रखे गए थे ताकि पिछली बार जो 10 जनवरी में हुआ था ट्रैक्टर लेकर आगे तक आ गए थे, उस वैसा ना हो इसलिए कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए थे और आज इन कंक्रीट के ब्लॉक्स को यहां से हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इन सभी बैरिकेडिंग को और कंक्रीट ब्लॉक्स को हटा रही है। आप देख सकते हैं ये एक एक करके जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं उनको हटाया जाएगा। यहां से जेसीबी मशीन भी कोई बुलाया गया है, लाया गया है ताकि ये ब्लॉक्स यहां से ले जाया जा सके और ये जो बैरिकेडिंग है, जो स्टील बैरिकेडिंग है, बाब वायर है, इनको हटाया जा सके। तो दिल्ली पुलिस अब इन बैरिकेडिंग्स को यहां हटा रही है, रास्ते खोलने की तैयारी है। ये मामला जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है इन बैरिकेडिंग को हटाने की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पर जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं और बैरिकेडिंग है उसको हटाने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है और ये रास्ता उसके बाद खुल जाएगा। कैमरामैन अज्जा को के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।